भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य भगवान या सूर्य देवता की पूजा करने की विधि क्या होती है, सही विधि क्या होती है मंत्रों के साथ, और साथ ही साथ जानेंगे सूर्य भगवान की पूजा करने के लाभ क्या हैं, या फिर उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, सही विधि मंत्रों के साथ। आज की वीडियो में पूरी चीज़ें डिटेल में हम जानेंगे। भगवान सूर्य की आदिकाल से ही पूजा उपासना होती आ रही है। सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता भी माना जाता है, क्योंकि उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता यह भी है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। सूर्य को नौ ग्रहों का राजा कहा जाता है। मनुष्य की कुंडली में सूर्य देवता का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है। उनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम भी करते थे, क्योंकि प्रभु श्री राम के पूर्वज भी सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी सूर्य की उपासना करके ही कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। ज्योतिषी में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य देवता की आराधना का अक्षय फल मिलता है। सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव अपने भक्तों पर श्रद्धा, समृद्धियों, अच्छी सेहत का वरदान प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को नौ ग्रह में प्रथम ग्रह और पिता के भाव का कर्म स्वामी माना गया है। जीवन में जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होते हैं, उन्हें सूर्य देव आराधना से लाभ प्राप्त होता है। पिता पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए भी सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्य देवता की पूजा करने के क्या लाभ होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सूर्य कृपा होती है तो उसके सभी बिगड़े हुए काम जल्दी से काम पूर्ण होने लगते हैं। रास्ते में पड़ी बाधाएं भी हटने लगती हैं। सूर्य भगवान की आराधना और पूजन करने से सूर्य की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। धन की प्राप्ति के योग बनते हैं और घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। किसी व्यक्ति कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान में वृद्धि होती है और सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। सूर्य भगवान सात घोड़ों के रथ पर सवार होते हैं। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य के रथ में सात घोड़े होते हैं। इन्हें शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का रथ यह प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन भगवान सूरज की आराधना साधना आराधना करने पर शीघ्र उनकी कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन भाव भक्ति से किए गए पूजन से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव अपने भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे तो एतवार यानी रविवार या संडे का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, परंतु प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को अर्घ्य देने का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। रविवार का दिन सूर्य देवता की पूजा के लिए विशेष है। सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति को जीवन की हर परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सूर्य को जल चढ़ाने से जहाँ मन में शांति का अनुभव होता है, वहीं पर शरीर के रोग और जिंदगी में खुशहाली भी आती है। शास्त्रियों के अनुसार सुबह के समय सूर्य को अर्घ देते समय कुछ बातें हैं जो नियम हैं, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूर्य को अर्घ देते हुए कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान सूर्य देव अप्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं भगवान सूर्य देव की पूजा के नियम क्या हैं, सही नियम क्या हैं, और पूजा के दौरान
उनके किस मंत्र का उच्चारण या किस विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए, जो हम अपने डेली या दिनचर्या में भगवान सूर्य की पूजा आराधना कर सकें और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सर्वप्रथम सुबह उठकर जल्दी स्नान करके भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रहे हमेशा 8 बजे से पहले ही सूर्य भगवान को अर्घ दे देना चाहिए। सबसे अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त, जब सूर्य भगवान निकल रहे होते हैं उस समय भगवान को अर्घ देना सबसे अच्छा माना जाता है। और हमेशा ध्यान रहे सूर्योदय को हमेशा नहाने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उन्हें 8 बजे के अंदर ही जल चढ़ा दें और ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय पर चढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही यह ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लें। अर्घ देते समय स्टील, चांदी, शीशे या प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग नहीं करें। हमेशा सूर्य देवता को तांबे के पात्र में ही जल देना चाहिए, मतलब तांबे के लोटे में ही जल भर के उनको अर्घ देना चाहिए। सूर्य देव के 7 नवग्रह मजबूत बनते हैं। जल अर्पित करने से पहले उन्हें कई लोग गुड़ चावल डाल के अर्घ देते हैं, परंतु ऐसा ना करें, इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो हमेशा जब भी भगवान सूर्य को जल देना हो, सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित करते हुए उसमें पुष्प डालें और चावल और रोली ये डाल के भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। कई लोग का मानना है कि जल अर्पित करते समय पैर पे छींटे पड़ते हैं, फिर उसका फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ उनको जल देना है, ये ध्यान में रखें बस। और पैर पे अगर पानी पड़ता है या छींटे पड़ते हैं तो उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, पर कोशिश करें ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो पूरब की दिशा में मुख करके ही भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। यदि किसी दिन ऐसा नहीं हो कि सूरज नहीं नज़र आ रहा या नहीं उग रहा है, तब भी पूरब दिशा की ओर ही मुख करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और तांबे के पात्र में जल भर के उसमें एक लाल फूल, हमेशा सूर्य भगवान को लाल वस्त्र पहन के और लाल फूल डाल के ही लोटे में और अक्षत रोली ये डाल के आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हुए सूर्य के मंत्र का जाप करें, ये विशेष लाभ मिलता है इससे। सूर्य को जल देते समय सबसे पहले खड़े होकर के 11 बार सूर्य भगवान का ओम ग्रीं सूर्याय नमः, ओम ग्रीं सूर्याय नमः, ओम ग्रीं सूर्याय नमः, या फिर ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः का उच्चारण करने के बाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करते हुए सर्वप्रथम बार उनको जल अर्पित करना चाहिए। पर ध्यान रहे पूरा जल ना अर्पित करके बस एक बार थोड़ा सा जल अर्पित करें। जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पूजा कर रहे हैं या फिर उनको अर्घ दे रहे हैं, इसी तरीके से 4 बार आपको ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उनको 4 बार में अपने जो आपने पात्र में जल भरा हुआ है उसको ख़त्म करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, पहले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर मतलब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देंगे प्रथम बार। ऐसे मात्रा में आपको जल डालना है भगवान सूर्य को कि 4 बार आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद वो जल का जो आपके पात्र का जो जल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले भगवान सूर्य को लोटे में जल, फूल, रोली, अक्षत डालने के बाद वहाँ पे खड़े होके भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए जो 2 मंत्र मैंने आगे बताए, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, इसका आप चाहें तो 11 बार उच्चारण करिए। उसके बाद ओम भूर्भुवः यानी गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप उनको अर्घ देना चाहिए। ये सही विधि होती है भगवान सूर्य की पूजा करने की, उनकी अर्चना करने की, उनकी आराधना करने की, उनको अर्घ देने की।
तो ये था मंत्रों के साथ भगवान सूर्य देव का पूजन करने का। और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपको जवाब दूंगी। तो इस तरीके से पूजा करने की विधि थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा सूर्य भगवान को पूजा करते समय ध्यान रखें कि लाल वस्त्र ही पहन के उनको अर्घ देना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको विधि बताई कि सूर्य भगवान को सबसे पहले लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल फूल हमेशा उनको चढ़ाना चाहिए, और तांबे के पात्र में ही जल उनको डालना चाहिए। सारे चीज़ें तांबे के पात्र में आपने जल भर लिया, और ध्यान रहे कि गंगा जल उसमें दो बूंद ज़रूर डालें। तो गंगा जल दो बूंद डाल के उसमें अक्षत, रोली, लाल फूल डालने के बाद फिर सूर्य भगवान को वहाँ पे खड़े होकर नमस्कार करिए। नमस्कार करने के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करिए 11 बार। उसके बाद फिर आप उनको गायत्री मंत्र बोलते ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हुए एक बार। उसके बाद दोबारा गायत्री मंत्र बोलते हुए फिर दोबारा अर्घ दें, फिर तीसरी बार गायत्री मंत्र बोलते हुए फिर तीसरी बार उनको अर्घ देनी चाहिए। उसके बाद चौथी बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए जितना भी लोटे का पानी, पात्र का पानी है वहीं पे गिरा देना चाहिए। इस तरीके से सूर्य भगवान को हमें अर्घ देनी चाहिए। ये सही विधि होती है सूर्य भगवान को अर्घ देने की, उनकी पूजा करने की। उसके बाद फिर लास्ट में आपको आपने जो अगरबत्ती, धूप बत्ती जला रखी है या जलाएं, उसके बाद भगवान सूर्य को दिखाते हुए उनको नमस्कार करते हुए उनको अगरबत्ती दिखाने के बाद आपकी पूजा समाप्त होती है। तो इस तरीके से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करेगा और सबके साथ शेयर करेगा सूर्य भगवान की पूजा विधि का। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कोई वीडियोस आपको चाहिए, किसी और देवता या भगवान की पूजा विधि चाहिए, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।